हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा छपरा बिहार से। जैसे कि आप सभी को पता है, देखिए अभी वैसे तो आप हमें फॉलो करते हैं हीरो होंडा मारुति से रिलेटेड जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी जॉब की जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर जिन्हें आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे द्वारा जान लीजिए, और शायद आप उनको जानते होंगे तो उनकी एड्रेस के लिए आपको बहुत बड़ी चाह होगी। ठीक है, तो एड्रेस आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो सबसे पहले एड्रेस देने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ विशेषताएं बताते हैं। जो उनकी विशेषताएं आपको अच्छा लगे तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत भारी प्रॉब्लम, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं, तो जाकर के उनके क्लिनिक पे दिखा सकते हैं। हालांकि वो मोबाइल नंबर शेयर करते हैं लेकिन एड्रेस शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं गया था दिखाने के लिए, पापा जी को लेकर गए थे, तो पापा जी को प्रॉब्लम लगभग, अब उनकी विशेषताएँ बता देते हैं, मतलब कि पापा जी को प्रॉब्लम लगभग 5 से 6 साल से था, पेट में गुरगुराहट, कब्ज और वॉशरूम बार बार जाना। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हमने तो पहली बार उनसे दिखाने के लिए जब गए थे तो बहुत बड़ी, मतलब कि वो हो गया था, क्या मतलब एड्रेस कैसे पहुंची उस एड्रेस पे, तो फ़ोन कभी लगता था तो कभी नहीं लगता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब YouTube पे नंबर दिया है तो बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे कि इनका फ़ोन रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उनकी वो एड्रेस भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो, ठीक है, वो यहाँ पे माँ अम्बे नर्सिंग होम में उनका क्लिनिक है, जो कि वहीं पे बैठते हैं। ठीक है, पर डे बैठते हैं वहीं पे। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे कि जितने भी पेट की समस्या है और भी उनके, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उनका चैनल, वहाँ पे जाकर चैनल पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद वहाँ पे देखिए किन किन रोगों के बारे में वो मतलब कि रोग ठीक कर चुके हैं। जैसे कि मैं अभी तक तो 4-5 रोग को ठीक करते हुए उनको देखा हूँ, और पेट की समस्या, बहुत भारी समस्या, मेडिकल मस्ती, मतलब बिपिन सर लाइट चला गया भाई, मैं बिहार में हूँ, आर्टिफिशियल लाइट लग गया। तो देखिए, जैसे मेडिकल मस्ती, बिपिन सर का जब उनकी प्रॉब्लम बहुत, लगभग मैं 2018 से बिपिन सर से पढ़ रहा हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम मतलब कि पेट की समस्या रहती थी। ठीक है, तो कभी वहाँ जाते थे, कभी पटना, कभी दिल्ली, तो क्लासरूम में बोल देते थे। और अभी एक महीना पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं कि मेरे जन्मदाता, मतलब कि नया जन्म देने वाले चंदन सर, वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, मेरा मतलब कि कहने का मतलब, अगर आपको प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, या फिर कोई और भी उल्टा पुल्टा कोई काम है, परेशानी है बहुत दिन से है, तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा स्पेशलिस्ट, मतलब अगर पेट की समस्या है तो ज़रूर ही विजिट कीजिए। पहले चैनल पे विजिट कर लीजिए, नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए कि हाँ सर जी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करते हैं सर, प्रॉपर करते हैं। और अभी मेरे पापा जी को IBS अल्ट्रासाउंड किए थे, अल्ट्रासाउंड और खून जांच किए थे। ठीक है, तो अभी एक वीडियो भी बनाया है सर जी ने, तो उसमें भी मेरे पापा जी का दिखाए थे, मतलब कि ये वाला दिखाए थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि होल एड्रेस नहीं दिखाए थे, तो आपको हम आपको फुल एड्रेस दिखा देते हैं, जहाँ अगर आपको परेशानी है। कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में हैं कि मुझे दिखाना है, सर से दिखाना है, लेकिन आपको एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको एड्रेस शेयर कर देते हैं। उनका मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पर दे देते हैं, और एड्रेस है मुजफ्फरपुर में है, बिहार स्टेट, बिहार और जिला मुजफ्फरपुर में SSB कैंप के पास, तो आप लोग आराम से पहुँच ही सकते हैं। कहाँ? SSB कैंप के पास से नज़दीक लगभग 200-250 कदम है त्रियानी कम्प्लेक्स नियर SSB कैंप, SKMCH, उमा नगर मुजफ्फरपुर। SKMCH बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और SKMCH से लगभग 1 किलोमीटर, SSB कैंप से लगभग 250 मीटर, और त्रियानी कम्प्लेक्स के सामने, मतलब कि 100 कदम, और माँ अम्बे नर्सिंग होम है त्रियानी कम्प्लेक्स के ठीक सामने। वहाँ एक वीडियो देखिए यहाँ पे, और सर से जाकर मैं मिला। ठीक है, मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग, ऐसा बहुत ही, मतलब कि अपने डॉक्टर की तरह, मतलब कि ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब कि वो नहीं, मतलब कि बड़े हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो बस डॉक्टर स्लिप देखें, साइन किए, दवा लिखे और वो हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर मतलब आपसे A to Z एक एक बीमारी के बारे में पूछेंगे, ऐसे क्या होता है, कब क्या होता है, और कुछ है तो बोलिए, मतलब आप पे लगभग 20 से 25 जितना समय आप लेना चाहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपने बीमारियों को
प्रस्तुत करने के लिए पूरा समय देते हैं, ठीक है। और लगभग आपका कोई भी बीमारी हो, लगभग 2 से 3 हज़ार में आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो पापा जी का IBS निकला था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड IBS निकला था। और पापा जी तो लगभग 5 से 6 साल से परेशान थे पेट से, वो तो कभी कभी कहते थे कि ठीक ही नहीं होगा। ऐसे मुझे हाजीपुर में दवा चला था, लगभग पटना में दवा चला था, इधर हमारे ईश्वरपुर में चला था विजय किशोर सिंह, तो कई सारे जगहों पे पापा जी भी दिखा लिए थे। और उनको भी अब ऐसा लगता था कि अब मतलब ठीक नहीं होगा, मतलब कि अब ऐसे ही रहेगा। तो सर से मुलाकात हुआ और अच्छा ही लगा। बाकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में IBS निकला था और 10 दिन का दवा दिए थे, 10 दिन का, 10 दिन का दवा देने के बाद ठीक हो गया IBS, ठीक है। उसके बाद एक फाइल दवा और चला, बोले कि अब आने की ज़रूरत नहीं है और पापा जी मुझे अभी बिल्कुल फ्री, मतलब कि अब दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग और एक दो खुराक दवा और आ गया, लगभग 10 दिन का पहले दवा दिए थे और अभी 18 दिन, मतलब 10 दिन 8 दिन हुआ, 18 दिन, 2 दिन का दवा और बचा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर साहब आने से बोल दिए हैं कि बस अब आना होगा तो इंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है। बाकी ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ मस्ती मेडिकल मस्ती, ठीक है। और हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये माँ नर्सिंग होम चंदन सर का पैड है, ठीक है, जहाँ पे ये माँ नर्सिंग होम अगर सर पहुँचने के बाद अगर फ़ोन नहीं लग पाता है चंदन सर के पास, तो इस नंबर पे कॉल करके ट्राई कर लीजिएगा। बाकी वैसे उस नंबर पे तो कॉल नहीं करना चाहिए। ये 29 नवंबर का दिखाया गया है, 29 नवंबर का ही ये ब्लड टेस्ट हुआ है। ब्लड टेस्ट में लगभग देखिए जो भी रिपोर्ट आया है, और पापा जी का 29 नवंबर का ही अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो इसी में कुछ निकला हुआ था IBS इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, पता नहीं क्या इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये अल्ट्रासाउंड उसी के बगल में है और ये ब्लड जांच घर जो है उनके जस्ट बगल में है, ठीक है। हम लोगों ने जाने में 5 दिन लेट कर दिया और दूसरे दिन गए थे 14 दिसंबर को, जो कि यहाँ पे फिर सर ने अल्ट्रासाउंड करके चेक किया। पापा जी ने कहा था कि बहुत हद तक आराम हो गया है, तो सर ने फुली सेफ्टी के साथ गए और एक बार फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कर लिया। अल्ट्रासाउंड में देखिए यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम था लगभग 10 दिन की दवा में ठीक हो गया था, ठीक है। तो फाइनली अब जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाना है, माँ नर्सिंग होम त्रियानी कॉम्प्लेक्स, त्रियानी कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने है माँ अम्बे नर्सिंग होम, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाएंगे और बोलेंगे चंदन सर से, चंदन सर के पास जाना है, माँ अम्बे नर्सिंग होम में बैठते हैं, ठीक है। बाकी चंदन सर का वीडियो का, चंदन सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।